हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से और एक अनबॉक्सिंग वीडियो। एंड आज हमारे पास है रियलमी C30। इस फ़ोन की मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एंड आपको बताऊंगा इसके सारे स्पेसिफिकेशंस। एंड ये एक बजट मोबाइल फ़ोन है जो आपको कम प्राइस में देखने को मिलेगा, अच्छे फीचर्स के साथ में आता है। इस फ़ोन के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले बैक साइड में आपको कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस फोन में आपको पावरफुल यूनिसॉक T612 का प्रोसेसर मिलता है। 5000mAh की मैसिव बैटरी है, 8.5mm अल्ट्रा स्लिम है एंड 6.5 इंच की आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। रियलमी C30 के बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे और एक आपको बॉक्स मिलेगा जिस पे लिखा है एक ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। एंड ये बहुत ही पतला है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। जैसे आप इसे ओपन करोगे फर्स्ट आपको मिलेगा एक सिम इजेक्टेड टूल पिन एंड इसी के अंदर आपको मिलता है एक क्विक स्टार्ट गाइड और साथ में है सेफ्टी गाइड। तो आपको बैक केस कवर देखने को नहीं मिलता है, इसी की वजह से ये काफ़ी पतला था। फिर आपको बॉक्स में मिलता है मोबाइल फ़ोन जिसकी हम बाद में बात करेंगे। लास्ट में आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा एक चार्जिंग अडाप्टर विथ माइक्रो USB चार्जिंग केबल। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ ये एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल है, टाइप सी आपको इस फ़ोन में नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम इस मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। पहले मैं इसे कवर से निकाल देता हूँ। ये जो कलर मैंने ऑर्डर किया है ये है ब्लू कलर। इसमें आपको सिर्फ दो ही कलर्स देखने को मिलते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इसका बैक साइड देखिए जो आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। एंड रियलमी की तरफ से मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि वो बजट मोबाइल फ़ोन में भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करता है। ये एक पॉली कार्बोनेट बैक है जो आपको टेक्स्चर फिनिशिंग के साथ में आता है। एंड अगर आप इसे कंपेयर करते हो सारे रियलमी के फ़ोन से तो आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ऊपर के साइड में सिर्फ एक ही कैमरा है जो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। नीचे रियलमी की ब्रांडिंग है। सो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं। राइट साइड में आपको मिलता है पावर की, वॉल्यूम अप एंड डाउन की भी आपको राइट साइड में ही देखने को मिलते हैं। नीचे के साइड में आपको मिलता है स्पीकर एंड आपको इसमें एक सिंगल स्पीकर मिलता है। उसी के बाद में आपको मिलेगा माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट। मुझे लगता है कि टाइप सी होना चाहिए था। उसी के लेफ्ट साइड में है प्राइमरी माइक्रोफोन एंड साथ में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक। लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ सिम ट्रे का ऑप्शन मिलता है एंड ये एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट है जिसमें आप 2 SIM + 1 memory card यूज़ कर सकते हैं। इस फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 6.5 इंचेस की एक HD+ की LCD डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, ये एक LCD डिस्प्ले है एंड नॉर्मल 60Hz पैनल है। कोई आपको हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.70% है। साथ में आप डिस्प्ले पे देखिए जो साइड के बेजल्स और चेन साइज है ये आपको एवरेज देखने को मिलते हैं। एंड में ये जो डिस्प्ले है इसे मैं आपको एक ब्राइट डिस्प्ले नहीं बोलूँगा, मगर आप डे टू डे लाइफ में आराम से इस डिस्प्ले को यूज़ कर पाओगे। बट आप यहाँ पे इस फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी देखिए जो आपको अच्छी मिलती है। बड़ी से 6.5 इंचेस की डिस्प्ले है, IPS है, बट उसके बाद भी कलर्स काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। व्यूइंग एंगल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। सो जो क्वालिटी है इस फ़ोन की डिस्प्ले की ये आपको अच्छी मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा कैमरे होने चाहिए थे, इनकेस अगर होते भी तो ये यूज़र्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता, बट ये प्राइस के हिसाब से ओके है। आपको 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा एंड कैमरे में भी आपको फीचर्स मिलते हैं। वीडियो आप 1080p 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन कैप्चर मोड है एंड आपको इसमें पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है। फोन में भी आपको फीचर्स मिलते हैं जहाँ पे प्रो है, टाइम लैप्स है एंड नाइट प्रो का ऑप्शन भी इस फोन में मिल जाता है।
अगर आप बायोमेट्रिक की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलेगा, ना ही साइड में है और बैक साइड में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फ़ोन में होना चाहिए था, बट फेस लॉक है तो यहाँ पर फेस लॉक टेस्ट करते हैं एंड मैंने फेस लॉक को ऐड कर रखा है। डायरेक्टली आपके सामने इसे अनलॉक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे ही लॉक किया, अनलॉक, देन अगेन, देन लास्ट टाइम, तो यहाँ पे जो फेस लॉक है ये आपको फास्ट मिलेगा। इस फ़ोन के हाइलाइटिंग फीचर की बात करते हैं, वो है प्रोसेसर। प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस फ़ोन में देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको यूनिसॉक T612 का प्रोसेसर मिलता है। इस प्रोसेसर के साथ में आप हाई ग्राफिक्स के गेम स्मूथली खेल सकते हैं एंड गेमिंग टेस्ट भी हम यहाँ पे करेंगे, उसकी आपको डेडिकेटेड वीडियो अलग से मिल जाएगी। और जो इस फ़ोन की बैटरी है ये आपको 5000 mAh की मिलती है। बैटरी अच्छी है क्योंकि मैं जितने भी टाइम से फ़ोन को यूज़ किया है बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहा है, ज़्यादा ड्रेन होता नहीं है, सो जो बैटरी है इस फ़ोन में आपको अच्छी मिलेगी। रियलमी C30 के प्राइस की बात करते हैं, ये आता है सिर्फ दो ही वेरिएंट्स में। 2GB रैम, 32GB रोम आपको मिलता है 7499 रुपीज़ में एंड 3GB रैम, 32GB रोम आपको मिलता है 8299 रुपीज़ में। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक बजट मोबाइल फ़ोन है जो 7500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। बैटरी अच्छी है एंड आपको एक पावरफुल प्रोसेसर मिलता है इस बजट प्राइस रेंज में। आप चाहे तो इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं, बट उसी के साथ में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।